जापान में मिलेंगे मोदी और बाइडेन, 48 घंटे तक चीन की हाई टेंशन। ये बड़ी खबर है। जापान के हिरोशिमा शहर में कल से G7 देशों के सम्मेलन का आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी समिट में शामिल होने के लिए कल सुबह रवाना होंगे। 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी हिरोशिमा जाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री। TV9 भारतवर्ष की टीम भी जापान के हिरोशिमा पहुंच चुकी है और यहां होने वाली ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात पर आपको पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे और आज दे भी रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन की खास बात यह है कि इस दौरान क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के चारों महाशक्तियां एकजुट होने वाली हैं। इनमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और जापान भी है। एक्सक्यूज मी। इस सब के बीच दुनिया की नजर टिकी होंगी पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मुलाकात पर, क्योंकि जापान में G7 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के संग मुलाकात करेंगे। इस दौरान चाइनीज दादागिरी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बस अब से कुछ घंटों बाद जापान के हिरोशिमा में G7 देशों का मंच सजने वाला है। शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंट और जापानी पीएम फुमियो किशिदा के बीच मुलाकात हुई है। इस सबके बीच पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और जो बाइडेन पर टिकी हुई है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक G7 से अलग मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात संभव है। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन को क्वाड के अन्य सदस्य देशों के नेताओं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ भी मुलाकात का अवसर मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी है कि पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता की प्लानिंग अभी चल रही है। जापान और कई अन्य देशों के साथ बायलेटरल मीटिंग्स अभी इस समय प्लानिंग की फेज में है, अपेक्षित है अन्य नेताओं के साथ भी। पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात में जिन मुद्दों पर चर्चा संभव है उनमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी, यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान और वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। क्वाड के चारों महाशक्तियों के एक जगह जुटने से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका और भारत मिलकर उनकी घेरेबंदी का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। हिरोशिमा से गौरव अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।